हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 फॉर द जीए सेक्शन। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 40। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च वेलफेयर फंड फॉर वर्कर्स अंडर द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन से इंडियन स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज केरला ने इसे लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव के अंडर जो इंडिविजुअल जिनकी एज बेसिकली 60 ईयर्स है, अबव 60 ईयर्स है, उन्हें यहाँ पे पेंशन जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ ये जो वेलफेयर फंड है ये किसने बनाया है, तो केरला एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2021 के तहत इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कांगड़ा टी रिसेंटली गॉट अ यूरोपियन जीआई टैग, द कांगड़ा टी बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट और अ यूटी। सो बेसिकली कांगड़ा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, और ये टी बिलोंग करती है आपके हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज 2005 में जो है कांगड़ा टी को इंडियन जीआई टैग भी दिया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डायरेक्टेड ऑल इंश्योरर टू प्रोवाइड फुल इंश्योरेंस कवरेज फॉर अ सरोगेसी। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे इन मंथ ऑफ मई एक सर्कुलर रिलीज किया था, जिसके तहत जो हमारी सरोगेट मदर्स होती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे फुल इंश्योरेंस कवरेज दिया जाना चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सर्कुलर रिलीज किया गया था IRDAI के द्वारा। एंड कौन से दो एक्ट के तहत ये प्रोविजन यहाँ पे जो है लागू किया गया है, तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के तहत। ठीक है, नाउ IRDAI की बात कर लेते हैं, इसके करंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम है आपका देवशीष पांडा। ठीक है, क्या नाम है, देवशीष पांडा। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू फॉर प्रोवाइडिंग शिपिंग एंड लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज टू CAITs, स्ट्रॉन्ग ट्रेड बेस एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो पहले देख लेते हैं CAIT क्या है। CAIT इज योर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है महेंद्र शाह। क्या नाम है इनका, महेंद्र शाह। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यू दिल्ली में। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है CAIT के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा इंडियन पोस्ट एंड तृप्ता टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ANB। और इंडियन पोस्ट की अगर बात करें, इंडियन पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपका न्यू दिल्ली में है, और इसके DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, अलोक शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 इन पेरिस फ्रांस। सो ये अवार्ड जो है ये जीता है लियोन मेसी ने, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इन्हें सेकेंड टाइम ये अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले इनको ये अवार्ड दिया गया था इन 2020, और जो इन्होंने शेयर किया था लुइस हैमिल्टन के साथ, जो आपके फॉर्मूला वन के प्लेयर हैं, फॉर्मूला वन के आपके कार ड्राइवर हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है ये कौन सा एडिशन था इस प्राइस का या इस अवार्ड का, तो ये था आपका 24th एडिशन। इसके अलावा रिसेंटली भी हमने पढ़ा था कि फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की जो है वो लिस्ट जारी की थी, जिसमें टॉप 5 आपके प्लेयर्स जो थे वो ये प्लेयर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड लियोन मेसी, इसके अलावा बाकी 3 ये आपके प्लेयर थे फर्स्ट 5 की अगर हम लिस्ट की बात करें। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो इनका नाम क्या है, शेली एंड फ्रेसर प्रियस। ठीक है, नाउ अब देखते हैं अदर अवार्ड्स यहाँ पे कौन कौन से किसे दिए गए हैं। जैसे वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम को। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, कार्लोस एल्कराज जो टेनिस प्लेयर हैं। वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड, क्रिस्टियन एरिक्सन को, जो डेनमार्क के प्लेयर हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी, कैथरीन डीबर्नर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये दिया गया है एलिन यू को। एंड नेक्स्ट लास्ट आपका है स्पोर्ट्स फॉर गुड, ये दिया गया है टीम अप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली इन मे हैज एक्वायर्ड द म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ इंडिया बुल
हाउसिंग फाइनेंस लोन दैट इज IBHFL फॉर ₹175.6 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये किसने एक्वायर की है, ग्रो ने, ठीक है, जो ग्रो आपका प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया है म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लोन। ठीक है, अब ग्रो की बात करें तो ग्रो की शुरुआत जो है 2016 में की गई थी, ऑपरेशनल ये 2017 में हुई थी आपकी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन, इसके अलावा इसके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, ललित केशरी। क्या नाम है इनका, ललित केशरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पद्म भूषण अवॉर्डी एंड इंडियन अमेरिकन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट पद्मा देसाई रिसेंटली पास्ड अवे, शी वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन इन द ईयर डैश। सो 2009 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे इन्होंने जगदीश भागवती जी के साथ ये बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिया प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अलावा बाकी जो बुक्स हैं, द सोवियत इकोनॉमी प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, द पेरेस्टोरिका इन प्रोस्पेक्टिव, द डिजाइन एंड डिलेमास ऑफ सोवियत रिफॉर्म, नेक्स्ट इज वर्क विदाउट वेजेस, ब्रेकिंग आउट एंड इंडियन वुमेन अमेरिकन जर्नी, जो 2013 की बुक है इनकी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इनकी बुक्स भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 व्हिच एम्स टू इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट टू $2 trillion बाय डैश। सो आंसर आपका है बाय 2030, यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं एक्सपोर्ट इंडिया का जो है इंक्रीज हो जाएगा $2 trillion तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू लिमिट है एक्सपोर्ट की, ठीक है, थ्रू द कोरियर सर्विसेज, ये यहाँ पे इंक्रीज की गई है, पहले 5 लाख हुआ करती थी, अब ये 10 लाख कर दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है यहाँ पे, आपको ये चीज जस्ट अ सेकेंड, आपको यहाँ पे ये चीज नोट करनी है, दैट इज कि अभी 4 न्यू टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जो है यहाँ पे ऐड किए गए हैं, पहले ये 39 थे, ठीक है, अब 4 और ऐड कर दिए गए हैं, कौन कौन से है, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर एंड वाराणसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड अ एटलांटिक डिक्लेरेशन टू इंक्रीज ट्रेड इन एरिया सच एज डिफेंस, न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स यूज इन अ इलेक्ट्रिक कार बैटरीज। सो इनमें से कौन से ऐसे देश हैं, ठीक है, जिसने एटलांटिक डिक्लेरेशन साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, एक तो होगा यूनाइटेड किंगडम एंड दूसरा आपका यूएस। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो जो यूके के आपके पीएम है, ठीक है, ऋषि सुनक, और यूएस के आपके जो आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो बाइडन, इन्होंने दोनों ने मिलकर इस डिक्लेरेशन को साइन किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च द संचार साथी पोर्टल टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मिस यूजिंग मोबाइल फोन्स, ही इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो कौन सी मिनिस्ट्री के ये यूनियन मिनिस्टर हैं, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। और इसे इस पोर्टल को, संचार साथी पोर्टल जो है, इसे डेवलप किसने किया है, सो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इसे जो है डेवलप किया है। ठीक है, ध्यान में रखनी है आपको ये बात। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द एमलगेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स। तो इनमें से कौन से बैंक का एमलगेशन जो है, इनमें से कौन से बैंकों का एमलगेशन जो है वो आरबीआई ने अप्रूव किया है रिसेंटली, तो आंसर आपका हो जाएगा नवनिर्मन कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक और राजधानी कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक। तो इन दोनों का एमलगेशन अप्रूव किया है आरबीआई ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है ये आपका लोकेटेड है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट बॉर्न टू सून डिकेड ऑफ एक्शन ऑन प्री टर्म बर्थ, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ अ प्री टर्म बर्थ नंबर विद अ 30.16 लाख बर्थ। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्री टर्म बर्थ जो है वो इंडिया में हुए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब प्रीटर्म बर्थ क्या होता है, बेसिकली जो बच्चे नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का टेन्योर होता है उससे पहले ही जन्म ले लेते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, प्रीटर्म बर्थ। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट की अगर बात करें, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, तो इसे क्रिएट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड दैट इज यूनिसेफ ने, किसके साथ मिलके, PMNCH, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट अलायंस है फॉर वुमेन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, तो इन सब ने मिलके इस रिपोर्ट को जो है क्रिएट किया है, जिसमें ये भी कहा गया है कि दुनिया के, अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात करें, उनमें से जो 50% प्री टर्म बर्थ हुए हैं वो इन 5 कंट्रीज में हुए हैं, मतलब 50% जो बर्थ यहाँ पे प्री टर्म बर्थ हुए हैं वो इन कंट्री को मिला के हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया था 2020 का अगर डेटा लें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एस्टिमेटेड प्री टर्म बर्थ रेट जो
जो है वो आपका बांग्लादेश में देखा गया था, विच इज फॉलोड बाय मलावी, देन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में ये आपका जो परसेंटेज थी वो थी 13%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन जून साइन अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट दैट इज MRA फॉर ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर विद इंडिया टू प्रमोट अ ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिटवीन द टू कंट्रीज। सो रिसेंटली UAE ने और इंडिया ने म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट फॉर ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स जो है साइन किया है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेड आपका जो ट्रेड है वो ईजिली हो पाएगा। ठीक है, बिजनेस जो है दोनों कंट्री इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो ये इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, ये साइन किया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल मीटिंग हुई थी इन दी ब्रूसल बेल्जियम। ठीक है, उसके साइडलाइन में इस अग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया गया था। और सेम टाइप का अग्रीमेंट 2021 में जो है इंडिया ने US के साथ साइन किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च द सोलर फाइनेंसिंग स्कीम नेम्ड किरण टू ऑफर अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू MSME मैन्युफैक्चरर्स। सो बेसिकली जो ये स्कीम है जिसका नाम है किरण, ये आपकी सोलर फाइनेंसिंग स्कीम है जो बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लॉन्च करने का, कि जो MSME है वो अडॉप्ट करे सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिसेस, इस वजह से इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे कौन से बैंक ने जो है स्कीम को लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द येस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, प्रशांत कुमार। क्या नाम है इनका, प्रशांत कुमार। अब यहाँ पे जो ये स्कीम है इसका पूरा नाम क्या है आपका, यस किरण। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो यस बैंक से यस किरण। ठीक है, अब यहाँ पे जो यस बैंक है इन्होंने पार्टनरशिप की है आपके सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जो है टाटा पावर सोलर सिस्टम, गोल्डी सोलर, लूम सोलर, पैरासोनिक सोलर पावर सिस्टम। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जून 2023 द UNGA इलेक्टेड 5 न्यू कंट्रीज एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ अ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। सो जो ये 5 न्यू मेंबर कंट्रीज जो है जो नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किए गए थे बाय द UNGA, इन पांचों में से ऐसी कौन सी कंट्री है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज ब्राजील। ठीक है, अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया लियोन और सोल्वेनिया। ठीक है, ये 5 कंट्री थी जिन्हें एज अ नॉन परमानेंट मेंबर जो है इलेक्ट किया गया है बाय द UNGA, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, जिनका जो टेन्योर है वो आपका फर्स्ट जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा टिल 31 December 2025 तक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये कौन सी कंट्रीज को रिप्लेस करेंगे, अल्बेनिया, ब्राजील, गैबोन, घाना एंड UAE को। ठीक है, नाउ आपको ये पता होना चाहिए जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इसमें आपके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड लास्ट आता है आपका USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 आपके जो है परमानेंट मेंबर रहते हैं, बाकी 10 जो मेंबर्स हैं वो आपके नॉन परमानेंट रहते हैं। ठीक है, और अभी नए 5 मेंबर कौन इलेक्ट किए गए हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, तो ये 5 आपकी कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सेरा लियोन और सोल्वेनिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हर मंथ किसी कंट्री को प्रेसिडेंसी दी जाती है। ठीक है, इन मंथ ऑफ जून ये प्रेसिडेंसी दी आपके UAE के पास। ठीक है, और यहाँ पे जो आप ये डेट्स देख रहे हैं ये बेसिकली इनके टेन्योर कब खत्म हो रहे हैं ये चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, नाउ जुलाई के मंथ में यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये किसके पास थी, UK के पास थी। अब अगस्त में किसके पास है, US के पास है। ठीक है, नाउ सेप्टेम्बर में किसके पास होगी, अल्बेनिया, देन अक्टूबर में ब्राजील के पास, फिर नवंबर में चाइना और एक्वाडोर इन दिसंबर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं क्यों मेंशन यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कंट्री के पास जो है प्रेसिडेंसी एट प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे सितंबर का आपको पूछ लिया कि सितंबर में कौन से कंट्री के पास प्रेसिडेंसी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज द स्टैंडर्ड IS 18267/2023 फॉर एग्री बाय प्रोडक्ट यूटेंसिल्स टू एड्रेस प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस स्टैंडर्ड को रिलीज किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, ताकि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। ठीक
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली एक गाइडलाइंस यहाँ पे जो है रिलीज की है मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स के लिए कि कौन कौन सी चीजें आपको इसमें इंक्लूड करनी है, जैसे, या कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। दोनों चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो केमिकल्स हैं, रेजन्स हैं, एडेसिव है, इनको यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने बैन किया हुआ है कि इसको आपको यूज नहीं करना है। साथ में ही यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो प्लांट होता है उसके अप्रोप्रिएट पार्ट को ही आपको यूज करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। साथ में ही स्टैटिक इंफॉर्मेशन इसके साथ की देख लेते हैं। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। एंड इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी। क्या नाम है इनका, प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है, ये इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके BIS के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट पार्टनर्ड विद DRDO साइंटिस्ट टू डेवलप सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। सो रिसेंटली IIT मद्रास के जो आपके रिसर्चर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है DRDO के साइंटिस्ट के साथ डेवलप करने के लिए कटिंग एज पीजो इलेक्ट्रिक MEMS, दैट इज माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी सेंसर फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट अप क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स टू गेट इट्स फर्स्ट एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन डैश। सो देखो, पहली जो आपकी डिलीवरी होगी एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट की, ये की जाएगी आपके सितंबर 2023 में। अब पहले तो इसमें जो इसकी हिस्ट्री है वो जान लेते हैं। दैट इज 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो एयरबस है इनके बीच में एक डील साइन हुई थी 22,000 करोड़ की, जिसमें 56 आपके जो C295 एयरक्राफ्ट हैं इनकी डील साइन हुई थी, जहाँ पे 16 एयरक्राफ्ट जो है ये आपके एयरबस बनाने वाली थी, वेरस जो आपके 40 एयरक्राफ्ट थे ये एयरबस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ बनाने वाली है। ठीक है, तो जो आपके 16 आपके एयरक्राफ्ट थे उसमें से पहली डिलीवरी सितंबर 2023 को की जाएगी, वेरस जो 40 एयरक्राफ्ट हैं जो इंडिया में बनाए जाएंगे इसकी फर्स्ट डिलीवरी आपकी की जाएगी सितंबर 2026 में। ठीक है, अब नए एयरक्राफ्ट हैं तो इनके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इंडियन एयरफोर्स के 6 पायलट्स और 26 जो 20 टेक्नीशियंस आपके हैं इनको ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है जो स्पेन फैसिलिटी है आपकी एयरबस की। ठीक है, इसके अलावा जो C295 है, इस एयरक्राफ्ट के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपेसिटी आपकी है 9 टन की और ये कैरी कर सकती है आपके 71 ट्रूप्स और 50 पैरा ट्रूपर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, दैट इज जो आपके C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये कौन से एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, तो ये रिप्लेस करने वाले हैं अवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL रीजनल ऑफिस इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज HAL का रीजनल ऑफिस इन्होंने इनॉग्रेट किया है मलेशिया में। ठीक है, रिसेंटली राजनाथ सिंह जी का मलेशिया का 3 दिन का जो है विजिट था, जिसमें इन्होंने इस HAL का जो रीजनल ऑफिस है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया है मलेशिया के कौलालंपुर में। इसके साथ साथ इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आपका स्टैचू था वो भी अनवील किया मलेशिया में। एंड साथ में ही इन्होंने डिफेंस कॉरपोरेशन में जो है रोड मैप, जो 4th डिकेड का आपका रोड मैप था वो भी इन्होंने डिस्कस किया था मलेशियन गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो आपके PM है मलेशिया के, इनका नाम क्या है, अनवर बिन इब्राहिम। क्या नाम है इनका, अनवर बिन इब्राहिम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के रिसेंटली आपके 25th डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, तो इनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज राकेश पाल। क्या नाम है इनका, राकेश पाल। और जो प्रीवियस आपके डायरेक्टर जनरल थे 24th, इनका नाम क्या था, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, ये आपके 24th डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन ऑगस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलेक्टेड ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज OCI टू मॉडर्नाइज द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नेम्ड दीक्षा। व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर इन दीक्षा। ठीक है, सबसे पहले दीक्षा के बारे में जान लेते हैं। दीक्षा जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपका इनिशिएटिव है, इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और ये आपका इनिशिएटिव है NCERT का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि दीक्षा को कब लॉन्च किया गया था, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है। सो एनसीईआरटी का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी से 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन दीक्षा। तो दीक्षा का आपका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डी हियर स्टैंड फॉर डिजिटल। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये प्रोजेक्ट है आपका दीक्षा, इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय दी टू ओरेकल पार्टनर नेटवर्क मेंबर्स, जिनका नाम है भारतीय एयरटेल एंड त्रिज्ञान टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन इंप्लीमेंट करेगा, भारतीय एयरटेल एंड त्रिज्ञान टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन दोनों ने मिलके रिसेंटली यहाँ पे जो है लॉन्च किया था आपका स्टडी इन इंडिया पोर्टल। ठीक है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, स्टडी इन इंडिया। बेसिकली ये आपका वन स्टेप सॉल्यूशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस। बेसिकली ये उन बच्चों को हेल्प करने वाला है जो इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, बाहर के फॉरेन के जो बच्चे हैं वो अगर इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक पोर्टल है जो हमारे मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने अपग्रेड किया है स्टेटस ऑफ विच कंपनी एज अ महारत्ना कंपनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका स्टेटस अभी महारत्ना कंपनी कर दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसका पहले जो स्टेटस था वो था नवरत्ना कंपनी का, नवरत्ना कंपनी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ऑयल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका लोकेटेड है दुलियांजन असम में। ठीक है, दुलियांजन असम में, और इसके अभी करंट सीएमडी कौन है, इनका नाम है रंजीत रथ। क्या नाम है, रंजीत रंजीत रथ। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, इसका भी स्टेटस यहाँ पे अपग्रेड किया गया है नवरत्न, जो पहले कैटेगरी वन आपका मिनी रत्न था। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है, और ये दोनों कंपनी ही आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, और ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये आपकी 13th महारत्ना कंपनी बनी है, और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है, ये आपकी 14th नवरत्ना कंपनी बनी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी कंपनी महारत्ना है और कौन सी नवरत्ना है। ठीक है, महारत्ना में आपका स्टेटस आता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का, फिर आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फिर आ जाता है आपका एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन विच इज योर REC लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा बाकी आपके आ जाते हैं नवरत्न जो आपकी 14 कंपनीज हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ONGC विदेश लिमिटेड। तो ये सारी कंपनीज आपकी महारत्ना और नवरत्न कंपनीज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, एज पर द 69th एडिशन ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2023, विच कंपनी टॉप्स द लिस्ट फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर। अब इस जो 500 की कंपनीज की लिस्ट है, ठीक है, जो टॉप कंपनीज हैं वर्ल्ड की, उनमें सबसे टॉप पे कौन सी कंपनी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉलमार्ट कंपनी, जो USA की है। देन सेकेंड नंबर पे आ जाती है आपकी सऊदी अरामको UAE की, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है आपकी। फिर आ जाता है थर्ड नंबर पे आपका चाइना की कंपनी स्टेट ग्रिड, फोर्थ पे आपका है अमेजोन USA की कंपनी, एंड फिफ्थ पे आ जाता है चाइना नेशनल पेट्रोलियम। तो ये आपके टॉप 5 कंपनीज थी। अब यहाँ पे अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें, तो टोटल 8 कंपनीज का यहाँ पे जो है नंबर इस लिस्ट में पड़ा है। ठीक है, 500 में आपका 8 इंडियन कंपनीज है। ठीक है, सबसे पहला नंबर आपका आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका रैंक आपका 88 था, देन LIC 107, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 94, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 158 रैंक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 233 रैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 235 रैंक, टाटा मोटर्स 337 रैंक एंड राजेश एक्सपोर्ट 353 रैंक। तो ये 8 कंपनीज थी जो इस लिस्ट में शामिल की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे जोमैटो हैज कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन यूपीआई सर्विसेज कॉल्ड जोमैटो यूपीआई। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिसेंटली जोमैटो ने जो है कोलैबोरेशन किया है आपका आईसीआईसीआई बैंक के साथ। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आईसीआईसीआई बैंक जो है इसके आपके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी। क्या नाम है, संदीप बख्शी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका यहाँ पे लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। वेयर एज अगर हम जोमैटो की बात करें, जोमैटो का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा में। और इसे लॉन्च किया गया था 2010 में, तो लॉन्च डेट भी आपको पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ इसके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, दीपेंद्र गोयल। क्या नाम है इनका, दीपेंद्र गोयल। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड द इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 बाय इंट्रोड्यूसिंग द टाइम ऑफ डे टैरिफ एंड रैशनलाइजेशन ऑफ अ स्मार्ट मीटरिंग प्रोविजन। द टाइम ऑफ डे टैरिफ विल बी -% लेस देन द नॉर्मल टैरिफ ड्यूरिंग द सोलर आवर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10% to 20% यहाँ पे जो है लेस कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द सोलर आवर्स। सोलर आवर्स क्या हुए, ऐसे आवर्स जब हमारे पास जो है सन अवेलेबल है और सन से हमें सोलर पैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मतलब सोलर एनर्जी हमें मिल रही है, दीज आर नोन एज योर सोलर आवर्स। तो दिन के टाइम पे सोलर आवर्स होते हैं जिसमें हमें 10% से 20% जो है यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर हम दिन में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इसे आप ऐसा समझ सकते हो जैसे नॉर्मल रेट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो 100 रुपये, जब हम दिन के टाइम पे यूज करेंगे सोलर आवर्स पे तो ये आपका 80 से 90 रुपये होगा। वेरस अगर हम इसे नाइट आवर्स में यूज करेंगे तो यही हमें 110 से 120 रुपये पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसका। अब इसके अलावा यहाँ पे हमको क्या नोट करना है, दैट इज जो टैरिफ्स हैं ये आपके कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होंगे जिनकी डिमांड मैक्सिमम डिमांड जो है 10 किलोवाट की है या इससे ज़्यादा है। तो 1 अप्रैल 2024 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। वेरस जो बाकी कस्टमर्स हैं, बाकी कंज्यूमर्स हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कंज्यूमर, इनको छोड़ के ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। मेन मोटिव क्या है इसके पीछे कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हमें जो है मिलती रहे, ठीक है, एट अ अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, नाउ एक्सप्रेस, रिसेंटली इन जुलाई सेबी एंड एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया, दैट इज APMI, कोलैबोरेटिवली establish a performance audit standard for portfolio manager management services, that is PMS providers. The standards will be effective from dash. So जो इन्होंने standards बनाए हैं SEBI और APMI ने मिलके, ये आपके कब से effects में आएंगे, तो answer आपका हो जाएगा from the 1st October 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV Empress, क्या नाम है इसका, MV Empress, जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है जिसे फ्लैग ऑफ किया है जो आपके यूनिवर्सिटी है सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट शिपिंग एंड मोटरवेज के। ठीक है, फ्रॉम डैश टू श्रीलंका। सो इसका जो ट्रिप है वो आपका चेन्नई तमिलनाडु से श्रीलंका का है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेन्नई तमिलनाडु। अब ये जो पोर्ट है ये कनेक्ट करेगा 3 पोर्ट के साथ, ट्रेंकोन मेल, हम्बनटोटा एंड जेफना श्रीलंका। ये 3 पोर्ट को ये कनेक्ट करने वाला है। इसके अलावा नोट करना है आपको कि जो ये आपका वेसल है क्रूज वेसल, इसमें कितना पैसा खर्च किया गया है, 17.21 करोड़। और फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस जो आपकी 2022 में हुई थी, वहां पे दो आपके जैसे चेन्नई पोर्ट और दूसरा आपका MS मोटरवेज लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड ने MOU साइन किया था स्टार्ट करने के लिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रूज सर्विसेज को। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है, अभी हमने जो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल जो सर्विसेज है वो स्टार्ट कर दी है, जिसका नाम क्या रखा गया है, MV Empress। तो नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ आर इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो जो अर्थ आर है इसे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को। ठीक है, जो इस बार आपका सेलिब्रेट किया गया था 25th of March। ठीक है, अब इस दिन होता क्या है, इस दिन जो आपके जो 8 से 9 बजे का टाइम होता है, ठीक है, 8 PM से 9 PM का जो टाइम होता है, यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल आपकी लाइट चल रही होती है तो उनको ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है,
फॉर 1 आवर, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम आपकी है द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोट करना है कि गुडविल एम्बेसडर यहाँ पे अर्थ आर इंडिया जो है उसके लिए बनाए गए थे। कौन कौन से आपके गुडविल एम्बेसडर हैं, तो पहले आपके हैं सुदर्शन पटनायक जो आपके साउंड आर्टिस्ट हैं, ठीक है। सेकेंड इज रणवीर बरार जो आपके शेफ हैं, एंड नकाश अजीज जो आपके सिंगर हैं और कंपोजर हैं, उन्हें यहाँ पे जो है गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था, किसका, अर्थ आर इंडिया का, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माई लाइफ एज अ कैमरेड द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट शेप्ड हर इज ऑथर्ड बाय के शैलजा हु इज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ डैश। सो जो आपके के शैलजा है ये पॉलिटिशियन है जो आपकी हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं केरला की। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनके साथ साथ ही इस बुक को ऑथर किया था मंजू सारा रंजन ने, जो फॉर्मर सीईओ है कोची बेनेल फाउंडेशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड द डैश एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा नेशन वाइड फ्रॉम द 20 मार्च टू 3 अप्रैल 2023 टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सा एडिशन था, इट वॉज द 5th एडिशन, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम क्या थी आपकी, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टूवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, ठीक है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अब इसी के साथ साथ जो आपका पोषण अभियान है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो पोषण अभियान है आपका कब लॉन्च किया गया था, इसकी डेट पूछी जा सकती है, तो 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, इन मार्च 2018 में आपका जो पोषण अभियान था, ठीक है, कौन सा अभियान था, पोषण अभियान इसे लॉन्च किया गया था। साथ में जो राष्ट्रीय पोषण माह होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह जो आपका होता है ये है आपका सितंबर मंथ में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिस कंटिन्यूड इट्स विच अमंग द फॉलोइंग ऑटोनॉमस बॉडीज इन मंथ ऑफ जून 2023। सो रिसेंटली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके, स्मृति ईरानी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे, इस मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू किया है आपका राष्ट्रीय महिला कोष, फिर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एंड फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। इन सारे बोर्ड्स को, इन सारी जो आपके इसके डिपार्टमेंट्स हैं इनको यहाँ पे इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। मेन रीजन क्या है, दैट इज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने यहाँ पे बोला है शट डाउन करने के लिए इन डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि इनका अब कोई करंट सिनारियो में कोई जो है यूज नहीं है, बेसिकली ये डुप्लीकेसी ही क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से इनको बंद किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला कोष है इसके बारे में देख लेते हैं, इसे लॉन्च किया गया था आपका 1993 में, ठीक है, फॉर कोलेटरल फ्री क्रेडिट टू द वुमेन इन अ इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। मेन रीजन क्या है, इस वजह से इसको जो है लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसे 1953 में जो है बनाया गया था एज अ चैरिटेबल कंपनी एंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एफर्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू बिल्ड अ बॉडी प्रिंसिपल ऑफ अ वॉलंटियरिज्म, एंड इसका मेन एम क्या था, जो एनजीओ है इट विल बी फंक्शन लाइक एनजीओ, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की अगर बात करें तो इसे 1964 में सेटअप किया गया था, ठीक है, विच इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको नोट क्या करनी है, दैट इज ओरिजिनली ये आपका पार्ट था मिनिस्ट्री ऑफ फूड का, ठीक है, जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है, बट बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया, 1993 में इसे शिफ्ट कर दिया गया था विद द मिनिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके जो आपके रीजनल ऑफिस हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इन एंड इन चेन्नई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री वॉन द बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड फॉर ई प्रोक्योरमेंट थ्रू GEM पोर्टल। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्हें बेस्ट एंगेजमेंट कैटेगरी में जो है अवार्ड दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड स्पॉन्सर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो कोल इंडिया लिमिटेड है इन्हें भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया है फॉर अ राइजिंग स्टार, एंड NNC इंडिया को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है फॉर द टाइमली पेमेंट कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट SRVA अकाउंट मलेशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज अ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो इसके एमडीएन सीईओ है या बोल सकते मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है ए मनिक मेघलाई, ठीक है, ए मनी मेघलाई,
ठीक है, ये इनका नाम है। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज अबाउट टू लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट टाइटल शुभ यात्रा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फर्स्ट टाइम ओवरसीज एमिग्रेंट्स फ्रॉम दी स्टेट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज केरला। केरला इस स्कीम को जो है लॉन्च करने वाला है, जिसका मेन एम क्या है, जैसे आप जो है फॉरेन कंट्री में जाते हो जॉब के लिए, ठीक है, उसमें आपका काफी खर्चा होता है, ठीक है, तो अप टू 2 लाख का यहाँ पे जो है ये सॉफ्ट लोन आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस स्कीम में यही बोला गया है कि यहाँ पे ये आपको फॉरेन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल असिस्टेंट के लिए अप टू 2 लाख तक का जो है सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे, जो जो पर्सन है वो इसे 3 ईयर्स में जो है रीपे कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है पीएम किसान मोबाइल ऐप विद अ फेस ऑथेंटिकेशन फीचर, जिसकी वजह से जो आपका ई केवाईसी है वो किया जा सकेगा विदाउट ओटीपी, ठीक है। इधर फार्मर्स को जो है घर बैठे बैठे वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इज, पीएम किसान स्कीम वॉज लॉन्च इन डैश। सो पीएम किसान स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना आपकी कब लॉन्च की गई थी, तो 2019 में इसे लॉन्च किया गया था 24 फरवरी को, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ये स्कीम थी, इस स्कीम के थ्रू 6,000 रुपीज जो है फार्मर्स के अकाउंट में डाले जाते हैं इन द 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 2,000 की इंस्टॉलमेंट में इसे जो है सेंड किया जाता है फार्मर्स के अकाउंट्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च द स्कीम विवाद से विश्वास सेकंड, ठीक है, कौन सी स्कीम है विवाद से विश्वास सेकंड, जिसे यूनियन बजट 2023-24 के में अनाउंस किया गया था बाय दी निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। टू सेटल द पेंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ अ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स द डेडलाइंस फॉर सबमिटिंग क्लेम्स अंडर दिस स्कीम इज डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, इन्होंने स्कीम लॉन्च की है विवाद से विश्वास सेकंड, ठीक है, किस चीज के लिए, सेटल करने के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट चल रहे हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, या जो प्राइवेट कंपनीज बेसिकली होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में जो आती हैं उनके साथ डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए ये लाया गया है, इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसकी डेडलाइन यह है क्लेम करने के लिए, ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसकी डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2023, ठीक है। ये स्कीम जो है ये स्टार्ट हो गई थी 15 जुलाई से और ये आपकी वैलिड है टिल 31 अक्टूबर 2023, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड द सीईओज राउंड टेबल इन टोरंटो कनाडा। सो यहाँ पे जो राउंड टेबल आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है ये किसने ऑर्गेनाइज की थी, तो FICCI दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अलॉन्ग विद बिजनेस काउंसिल ऑफ कैनेडा दैट इज BCC। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। अब जो ये कॉन्फ्रेंस थी इसे होस्ट किसने किया था, पीयूष गोयल जी ने अलॉन्ग विद दी जो आपके कैनेडा के मिनिस्टर थे जिनका नाम क्या है मेरी नाग, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा जो ये इवेंट आपका हेल्ड हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये कैनेडा में हुआ था। अब इसके साथ साथ यहाँ पे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंसमेंट की है रिगार्डिंग दी न्यू पार्टनरशिप टू दी कनेक्ट बिजनेस लीडर्स फ्रॉम इंडिया एंड कैनेडा। अब इससे होगा क्या, बेसिकली मेन मोटिव क्या है इसका, टू प्रमोट दी बायलेटरल इकोनॉमिक टाइज एंड जो कॉरपोरेशन होगा इन दोनों कंट्रीज में उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब FICCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, एंड इसके प्रेजिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, सुब्रकांत पांडा, ठीक है, क्या नाम है इनका, सुब्रकांत पांडा, ठीक है। वेयर इज जो आपका BCC है बिजनेस काउंसिल ऑफ कैनेडा, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इट इज इन दी ओटावा कैनेडा, कहाँ पे है, ओटावा कैनेडा, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, गोल्डी हेडर, क्या नाम है, गोल्डी हेडर, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इज टू बी सेटअप इन विच इंडियन स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। तो कैनबिस क्या होता है, कैनबिस आपका भांग होता है, ठीक है, यहाँ पे इमेज देख सकते हो। अब कैनबिस जो होता है बेसिकली इससे आपकी पेन रिलीफ मेडिसिन बनाई जाती है और इंडिया में पहली बार इसका प्लांट जो है, इसके मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है वो आपका सेटअप किया जा रहा है, कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। और जो पहला आपका कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है ये सेटअप कहाँ पे किया जाएगा, एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है इन कोलैबोरेशन विद द इंडस कैन जो आपके कैनेडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये दोनों मिलके इसे सेटअप करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ निश्चित पेंशन प्लान, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट सॉल्यूशन। सो इन मंथ ऑफ जून आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने इस टाइप का आपका पेंशन प्लान लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या रखा गया है, निश्चित पेंशन प्लान। अब इस पेंशन प्लान में जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 30 ईयर्स की, ठीक है, मिनिमम इज 30 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो एज है इट इज योर 65 ईयर्स, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। और मिनिमम एनुअल प्रीमियम यहाँ पे रखा गया है आपका 20,000 का, कितना रखा गया है 20,000 का, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो आप बेनिफिट है वो कब अवेल कर सकते हो, एट द एज ऑफ 75 ईयर्स, मिनिमम 75 ईयर्स, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई में, और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है कमलेश राव, ठीक है, कमलेश राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवेज हैज साइंड एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड अचीव इंडियन रेलवेज टारगेट ऑफ अ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। सो आंसर यहां पे आपका हो जाएगा, दैट इज USAID, विच इज यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इन्होंने एमओयू साइन किया है किसके साथ, इंडियन रेलवेज के साथ, ताकि यहाँ पे जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है 2030 तक का वो अचीव कर लिया जा सके। अब ये दोनों मिलके यहाँ पे जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं उनको यहाँ पे यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव, जो टारगेट है हमारा 2030 का, ये अचीव कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडिया का टारगेट क्या है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है अचीव करने का, ठीक है, कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को नेट जीरो करना है बाय 2070। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि इंडिया का टारगेट क्या है टू रिड्यूस दी टू नेट जीरो दी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो USAID है, विच इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके आपके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इनका नाम पूछा जा सकता है, विच इज योर समंथा पावर, क्या नाम है इनका, समंथा पावर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन योर Washington DC, ठीक है, वॉशिंगटन। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है सो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।